मुझे भी बाहर जाके मस्ती करना था जैसे मेरे दोस्त कर रहे हैं। लेकिन वो असाइनमेंट करने हैं मुझे बहुत सारे। इतना प्यारा मौसम हो रहा है बाहर, ये यार गाड़ी होती तो इतना घूमता, लेकिन अभी गाड़ी भी नहीं है और गाड़ियां हैं लेकिन फकिंग असाइनमेंट्स ये करने पड़ेंगे मुझे अभी। फीस भी मैं ही भरूं और असाइनमेंट्स भी मैं ही करूं। पैसे किस बात के दे रहे हैं कॉलेज? ऐसा होना चाहिए ना, जो मतलब पूरे साल कॉलेज नहीं आ रहा उसे एक स्पेशल वो तो दो कि उसके असाइनमेंट्स खुद करो। मैं कॉलेज नहीं गया लेकिन मैंने फीस पूरी दी है, तो मेरी सीट के पैसे तो दो मुझे वापस, या फिर मेरा असाइनमेंट करके दो मुझे, पेपर में पास करा दो नहीं तो। A few minutes later. आज तुम्हें पता है आज नवरात्रे चल रहे हैं और आज है ईद, तो तुम्हारा भाई आया था मंदिर। चलो मतलब क्या कहना चाह रहा हूँ, ईद के हिसाब से मंदिर आया हूँ भाई मैं, मंदिर रोज तो वैसे आता रहता हूँ। आज तुम्हारा भाई गुफा मंदिर आया, मैंने कुछ सीन उस समय रिकॉर्ड नहीं कर पाया, मतलब बोल नहीं पाया था, मैंने कुछ रिकॉर्ड किया वो दिखा देता हूँ आपको। ये आई कभी, और मैं आया था ईशान भाई के साथ। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। जय श्री राम भाई, गुफा मंदिर आया। इसका तुम्हें पता है इसके बारे में, गुफा मंदिर कब बना था कैसे बना था? नहीं ये यहीं रहते हो रहने तब पता नहीं है, मैं दूर रहता हूँ इसलिए मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं आज पता करूँगा। ठीक है, किसी किसी बाबा जी से पूछते हैं, वो बैठे उनसे पूछो। वैसे तुम्हारा भाई आया था डिसेंट लुक में, दोनों डिसेंट लुक में आए थे कुर्ता पहन के, मैं बस काला कुर्ता पहन के आऊँगा। किसको लगता है कि मंदिर में काले कुर्ते नहीं पहन सकते? मेरा भाई भी कह रहा था कि काले कुर्ता पहन के मत जा, मैं तो आ गया। कमेंट में बताओ मुझे, कोई काला कुर्ता पहनना मना है क्या मंदिर में? भाई मेरा दिल साफ है इसलिए मैं मंदिर आ गया, कोई से भी कपड़े पहन के, क्यों भाई दिल साफ होना चाहिए ना। मेरी लाइन चला रहे हैं इसने। वैसे हमारा प्लान था क्रीसेंट जाने का, मतलब इसके साथ पहले गुफा पहले सुबह सुबह गुफा मंदिर घूमने का था, फिर उसके बाद क्रीसेंट जाने के बाद। क्रीसेंट मतलब बहुत से लोगों को पता नहीं होगा, वो वाटर पूल, वाटर पूल जाने की बात थी। आज हम वाटर पूल जाने, लेकिन हमारे सुमित भाई है ना, सुमी भाई, उन्होंने मना कर दिया, कहते कि बारिश तो हो रही है, दो चार दिन से बारिश हो रही थी भोपाल में, तो उन्होंने कहा भोपाल में बारिश हो रही है, जैसे ही बारिश धूप निकलती है वैसे चलेंगे। और ऊपर देखो इतनी जम के धूप निकल रही है, अभी मैं गाली देने वाला हूँ उसको बहुत सारी, साले को गालियाँ दूंगा, प्लान कैंसिल करा दिया साले ने। लेकिन कोई बात नहीं, अपन मंदिर तो हुआ है। देखो मैंने कहा था कहीं एक जगह तो जाऊँगा, सुमित ईशान भाई ने बोला मेरे घर के पास है गुफा मंदिर, गुफा मंदिर हो आते हैं, कुछ ना हो मंदिर तो घूम ही लेंगे, तो आ गए हम मंदिर। बढ़िया मज़ा आया भाई, मंदिर एक ऐसी जगह है यहाँ पे भाई हर चीज़ का तोड़ है। कॉम्बो नहीं हो पा रहा, कॉम्बो नहीं होगा, पिज्ज़ा का बोल दिया, पिज़्ज़ा ही बोल दिया, बोल गया वही खा लेंगे। तो यहाँ पे मैंने डिसाइड किया कि मुझे कान छिदवाना है अपना, लेफ्ट साइड वाला कान छिदवा रहा था मैं यहाँ पे, और सही बताऊँ तो हालत बहुत फटी हुई थी मेरी, जैसा कि तुम देख पा रहे हो मेरी शक्ल पे फट के चोबारा हो चुकी है, लेकिन मैंने अपने दोस्त के सामने और अंकल जी के सामने बेइज्जती ना हो इसलिए बिल्कुल मर्दों की तरह कान छिदवा लिया। और आखिरी में आके देखो मैं शो ऑफ करता हूँ, नहीं रोया मम्मी दिखा दो, हाय सुंदर। ये अपना क्या है, न्यू जेल, जेल है अपनी, यहाँ पे सब कुछ ऐसे मिलने दे रहे हैं। इनके लिए भी मैं विश करूँगा, जो गलत केस में अंदर है और जिनके साथ बुरा हुआ है उनको सर्दी छुट्टी मिल जाए, जेल से बाहर निकल जाए जल्दी। सबके साथ अच्छा हो यार, कब तक बुरा होता रहेगा सबके साथ? मेरे साथ बुरा हो रहा है, मुझे पता चल रहा है कितना बुरा होता है जब बुरा होता है। बुरा होता है जब बुरा होता है, समझ गया। और तुम्हें पता है ये गर्मी बहुत जम के हो रही है, कहीं जाने का मन नहीं कर रहा, तो जैसे ही मैं घर आया मुझे कॉल तो आ गया था कि कॉलेज जाना है मुझे कुछ काम से, लेकिन मन नहीं हुआ भाई, मैं आके सो गया। और इस धूप में यार कंटेंट बनाना बहुत ही मुश्किल है, और मुझे वीडियो भी डालना है, तो मैंने अभी यही डाल देता हूँ। अगर आपको गुफा मंदिर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना।